नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 55G वर्सेस नथिंग फोन 2A 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो H50 में 6.33 इंच जबकि 2A 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो H50 में 2.85 इंच जबकि 2A 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो H50 में 0.31 इंच जबकि 2A 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि H50 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो H50 में 180 ग्राम जबकि 2A 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि H50 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो H50 में POLED जबकि 2A 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन H50 में 1220x2712px FHD+ और 2A 5G में 1084x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो H50 में 93.09% जबकि 2A 5G में 87.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो H50 में 444 पिक्सल प्रति इंच जबकि 2A 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो H50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 2A 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो H50 में 16 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 2A 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो H50 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 2A 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो H50 में Adreno 644 जबकि 2A 5G में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो H50 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition और 2A 5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 मिलता है। बात करें RAM की तो H50 में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 2A 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो H50 में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 2A 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो H50 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 2A5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एच 55G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें नथिंग फोन 2A5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 Pro 5G है, दूसरा Honor 200 Pro 5G है, तीसरा Honor 200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi 14 Civi 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।